मुश्किल से बॉलीवुड के अच्छे दिन आए थे। जवान, पठान और गदर 2 जैसी फिल्मों ने ताबड़तोड़ बिजनेस किया, लेकिन अब लगता है बॉलीवुड की मुरादों पर फिर से पानी फेरने आ गया है वर्ल्ड कप। जी हाँ, कोरोना की वजह से बॉलीवुड का भट्टा बैठ गया था, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई और उसके बाद साल 2023 में शाहरुख खान की 2 फिल्में आई, सनी देओल की फिल्म गदर 2 आई और इन फिल्मों ने बॉलीवुड के बिजनेस को आसमान पे पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना बॉलीवुड पर भारी पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। भारत में क्रिकेट के लिए दीवानगी सबको पता है, जब एक बार टीवी पे मैच आ जाए तो सड़कें सूनी हो जाती हैं। तो ऐसे में भला सिनेमा हॉल कौन जाएगा? तो जी हाँ, आपको ये बताएं कि इस हफ्ते अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज हुई थी। अक्षय को ये उम्मीद थी कि उनकी फिल्म, चलो फ्राइडे बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं हो पाया, सैटरडे संडे दर्शक सिनेमा हॉल पहुंचेंगे। ओपनिंग इस फिल्म की बहुत ही ज्यादा औसत रही, अक्षय कुमार की फिल्म की ऐसी ओपनिंग कभी नहीं हुई थी। इस फिल्म ने 3 करोड़ तक का भी कारोबार नहीं किया। वहीं सैटरडे संडे भी फिल्म का बिजनेस अच्छा नहीं रहा। सैटरडे को भी वर्ल्ड कप का मैच था और संडे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ऐसे में ज्यादातर दर्शक टीवी से चिपके रहे और अक्षय कुमार की फिल्म 4.5 करोड़ तक की कमाई कर पाई। वहीं फुकरे 3 को भी वर्ल्ड कप का नुकसान हुआ। फुकरे 3 की टीम ने सोचा होगा कि इस दौरान जो है उनकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में आ जाएगी, वीकेंड पे फिल्म का अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो इंडिया के मैचेस हैं वो वीकेंड पे ही पड़ रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसकी वजह से फुकरे 3 देखने दर्शक सिनेमा हॉल नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं फुकरे 3 को इसका नुकसान हुआ। और एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी अब तक रिलीज के 11 दिन बाद भी 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई है। तो चलिए अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में रिलीज होने वाली हैं और इन फिल्मों पर कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप एक खतरा बना हुआ है। इन फिल्मों में टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत है तो दूसरी तरफ कंगना रनौत की फिल्म तेजस है। यही नहीं, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पर भी वर्ल्ड कप का साया रहेगा और कहीं ना कहीं उनकी फिल्म को वर्ल्ड कप का नुकसान हो सकता है। आपको ये बता दें कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक वर्ल्ड कप होना है और इस दौरान ऐसा हो सकता है कि बॉलीवुड फिल्में जो हैं बहुत ज्यादा सिनेमा हॉल में बिजनेस नहीं कर पाए। 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत अ हीरो इज बॉर्न। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ कृति सेनन है। देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ का करियर वैसे ही बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और ऐसे में गणपत वो उम्मीद है जिससे उनके करियर को जो है थोड़ा एक कह सकते सहारा मिल सकता है। 19 अक्टूबर को साउथ सुपरस्टार विजय थलपति की फिल्म लियो आ रही है। ये फिल्म जब रिलीज होगी उस दिन भारत बनाम बांग्लादेश का मैच होगा और 19 अक्टूबर को ये मैच है तो जाहिर है दर्शक सिनेमा हॉल जाने की बजाय भारत बनाम बांग्लादेश मैच देखेंगे और कहीं ना कहीं विजय थलपति की फिल्म को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं टाइगर श्रॉफ की हमने बात की, टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और उस दिन ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान का मैच है। ये दोनों ही बहुत ही तगड़ी टीम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम के फैन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी टीम का क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं और इस वजह से टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत को नुकसान हो सकता है। आपको ये बता दें कि टाइगर श्रॉफ का करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी लगातार 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। अगर गणपत पर भी क्रिकेट वर्ल्ड कप का साया पड़ता है तो टाइगर के करियर के लिए ये डिजास्टर साबित हो सकता है। इसी दिन 20 अक्टूबर को यारियां 2 रिलीज हो रही है। यारियां 2 में दिव्या खोसला है, मिजान जाफरी है। इस फिल्म को भी बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का साया यारियां 2 फिल्म पर भी पड़ेगा क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच है। इसी दिन एक तो गणपत और यारियां 2 फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में आ रही हैं और जब 2 फिल्मों का क्लैश होता है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों को अच्छा खासा नुकसान होता है। और ये दोनों फिल्में जो है वर्ल्ड कप मैच के साथ क्लैश कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की 2 दिग्गज टीमें उस दिन खेल रही हैं, तो इन दोनों फिल्मों को इसका नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं तेजस की। जी हाँ, कंगना रनौत का करियर भी इन दिनों डबाडोल चल रहा है और उनकी फिल्म भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सिनेमाघरों में आ रही है।
आपको ये बताएं कि जिस दिन कंगना रनौत की फिल्म आएगी उस दिन पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का मैच है। सबको पता है कि इंडिया में भी पाकिस्तानी टीम के बहुत सारे फैंस हैं, और जब वर्ल्ड कप, बहुत से ऐसे फैंस होते हैं जब वर्ल्ड कप के एक एक मैच को देखते हैं, तो पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा ये कंगना रनौत की फिल्म को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे भी कंगना की लगातार जो उनकी फिल्में आई हैं वो फ्लॉप चल रही हैं। कंगना की पिछली फिल्म चंद्रमुखी भी नहीं चली, और अब उनकी फिल्म तेजस पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का साया है। उनकी फिल्म को क्रिकेट वर्ल्ड कप नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं सलमान खान की। वैसे तो सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि उनकी फिल्म जब रिलीज होती है तो उनके फैंस के लिए वो दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता है। टाइगर 3 एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी है। टाइगर 3 ऐसी फिल्म है जिसकी पिछली दो फिल्में बहुत जबरदस्त हिट रही हैं। टाइगर 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि इस फिल्म पर भी क्रिकेट वर्ल्ड कप का साया पड़ सकता है। टाइगर 3 के बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म 10 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी। तो ये फिल्म जब रिलीज हुई होगी उसके दो दिन बाद ही भारत बनाम नीदरलैंड मैच है। तो जब वो संडे का दिन है जब भारत बनाम नीदरलैंड मैच होगा, और संडे को देखा जाए तो सलमान खान की फिल्म के लिए एक बढ़िया बिजनेस का मौका होता है, लेकिन उस दिन ज्यादातर दर्शक टीवी से चिपके रहेंगे। वर्ल्ड कप का एक इम्पोर्टेंट मैच होगा और इससे सलमान खान की फिल्म को नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट में हमने सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज डेट की बात की है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो OTT पर रिलीज होंगी, छोटे बजट की फिल्में हैं जो सिनेमा घरों में आएंगी, लेकिन ये तमाम फिल्में कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड कप की वजह से इनको नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप मैच ऐसा है भारत में किसी उत्सव से कम नहीं होता है। आपको बता दें जितने मेल होते हैं उनका तो क्रिकेट में इंटरेस्ट होता ही है। हमारे देश के युवा जो है उनके लिए क्रिकेट जो है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट का साधन वही है, और उसके बाद ही फिल्मों का नंबर आता है। तो जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होगा तो बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी फिल्में जो सिनेमाघरों में आएंगी, कहीं ना कहीं दर्शक इन फिल्मों की बजाय क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच को प्रेफरेंस देंगे। इंडिया के तमाम मैचेस जो है वीकेंड पे हैं, और वीकेंड पे ही सिनेमा घरों पे फिल्में आती हैं, तो इन फिल्मों को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है।